हेलो माई डियर स्टूडेंट्स आई वेलकम यू ऑल टू ड्रामेटिक साइंस टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एन इंटरेस्टिंग चैप्टर दैट इज डिस्पर्शन इसका सिर्फ एक ही लेक्चर होगा क्योंकि एक ही लेक्चर में वी कैन कवर द फुल चैप्टर राइट सो एट फास्ट वी विल नो वाट विल बी आवर टूडेज एजेंडा टूडेज टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन वी विल डिस्कसवरल टॉपिक्स काफ़ी सारा टॉपिक एक ही लेक्चर में डिस्कस होगा दैट इज़ नंबर वन डेफिनेशन ऑफ डिस्पर्शन कॉजेस डिस्पर्सन का क्या कॉज है क्या कारण है थर्ड वन फॉर्मेशन ऑफ प्योर स्पेक्ट्रम प्योर स्पेक्ट्रम एंड इमप्योर स्पेक्ट्रम दो तरफ का दो तरह का स्पेक्ट्रम होता है आई विल डिस्कस प्योर स्पेक्ट्रम नेक्स्ट वन एंगुलर डिस्पर्सन एंड डिस्पर्सिव पावर दिस आर सम फिजिकल क्वान्टिटीज रिलेटेड टू दिस चैप्टर डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन डेविएशन क्या है ये रिफ्रैक्शन में था मतलब लाइट रे जिस रास्ते से जा सकता था लेकिन वो जिस एंगल पे मतलब आ, एंग, क्या बोले रिफ्रैक्ट हो गया लाइट रे का जो ओरिजिनल पाथ था उसमें से वो जिस एंगल पे डेविएट हो गया दैट इज कॉल्ड डेविएशन सो डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। नेक्स्ट वी विल हैव डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन दैट इज टू ऑपोजिट फेनोमेन नेक्स्ट फ्रॉन हॉफर लाइन्स ट्रूली रिलेटेड टू सोलर फिजिक्स सोलर फिजिक्स एक पार्ट है दैट इज सन का फिजिक्स इज कॉल्ड सोलर फिजिक्स फ्रॉन ऑफर लाइन्स उसका पार्ट है टेलुरिक लाइन्स टेलुरिक लाइन्स भी रिलेटेड टू सोलर फिजिक्स देन सम क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस चैप्टर एंड सिंपल वन न्यूमेरिकल मैंने अबाउट दिस टॉपिक राइट सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट लेट स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ डिस्पॉशन डेफिनेशन डिस्पर्सन का डेफिनेशन क्या है एज यू कैन सी पॉलिक्रोमाटिक लाइट लाइक व्हाइट लाइट पॉलिक्रोमाटिक मतलब जिस लाइट में काफी सारा कलर्स काफी सारा कलरफुल लाइट का कॉम्बिनेशन होता है जैसे कि व्हाइट लाइट है वाइट लाइट में बेसिकली सेवन कंस्टिट्यूएंट कलर्स है वी नो दैट इज विज्योर सो पॉलिक्रोमाटिक लाइट गेट्स डिवाइडेड इनटू कंपोनेंट कलर्स मतलब पॉलिक्रोमैटिक लाइट जिस जिस कलर से बना हुआ है वो उस कलर में ब्रेक हो जाएगा बाई गेटिंग रिफ्रैक्टेड फ्रॉम अ प्रिजम और एनी रिफ्रैक्टिंग मीडिया मतलब प्रिज़म से एक पॉलिक्रोमैटिक लाइट इफ वी ड्रॉ दिस इट विल वी विल सी दैट अ पॉलिक्रोमैटिक लाइट विल ब्रेक इन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स लाइक दिस वन इफ यू ड्रॉ दिस सपोज दिस वन इज अ प्रिजोम राइट एंड इफ यू कंसिडर अ पॉलीक्रोमैटिक लाइट लाइक दिस वन दिस वन इज अ व्हाइट लाइट Simply white light, and after refraction, we are considering this screen, we will see seven constituent colors one, two, three, four, five, six, and say seven. Right? So, this will form a pattern on this screen, like this one four, five. 6 and 7 right arrow is compulsory arrow represents light either we arrow compulsory hoga so this combination or this breaking this splitting of light rays is simply called dispersion and we know as a white light hai, if it breaks its disperses into seven color v I B,

लाइट रे जो है उसका वेवलेंथ वेरिएट होता है वेवलेंथ चेंज होता है एंड फॉर दैट रीजन वी आर एबल टू सी दिस्पर्सन ऑफ लाइट राइट सो वाइट लाइट डिस्पर्स इनटू सेवन कंस्टिट्यूएंट्स जैसे कि मैंने बोला कि विबजियोर फॉर्म में डिस्पर्स होगा ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ डेविएशन ऑफ द प्रिज्म अच्छा मतलब दो कंसेप्ट आया डिस्पर्सन के लिए वेवलेंथ डिपेंडेंट है एंड डिस्पर्सन के लिए एंगल ऑफ डेविएशन भी डिपेंडेंट है दिस डेविएशन ऑकर्स ड्यू टू द चेंज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंजेस ड्यू टू द चेंज इन द देवलेथ काफी कंफ्यूजिंग है लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन अ सिंपलर वे बेसिकली जो एंगल ऑफ डेविएशन था डेल वो सिंपली प्रोपोर्शनल है विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डेल प्रोपोर्शनल टू म्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीज होगा म्यू डिक्रीज होगा तो डेल डिक्रीज होगा सिंपल ओके सेकेंडली सेकेंडली म्यू प्रोपोर्शनल टू वन बाई लैमडा हम लोगों को पता है प्रेफरेबली म्यू प्रोपोर्शनल टू वन बाई लैमडा स्क्वायर दिस वन इज द करेक्ट फॉर्म लेकिन हम लोग वन बाई लैमडा कंसिडर कर सकते हैं ये किसका इक्वेशन है कॉसिज इक्वेशन सो वी कैन से म्यू दैट इज सॉरी डेल प्रोपोर्शनल टू वन बाई लैमडा मतलब वेव लेंथ चेंज होगा तो एंगल ऑफ डेवियशन चेंज होगा राइट और जो ये डायग्राम था बेसिकली ये जो सारा सेवन कंस्टिट्यूएंट कलर्स है उन सभी का वेव लेंथ डिफरेंट है सभी का वेव लेंथ इज सिंपली डिफरेंट तो डेफिनेटली वेवलेंथ डिफरेंट होगा तो एंगल ऑफ डेवियशन चेंज होगा एंड लाइट अलग अलग एंगल पे बेंड करेगा सिंपलर कंसेप्ट तो इसको और एक कंसेप्ट एड कर सकते हैं इसके ऊपर जो रेड लाइट है हमारे पास लैमडा रेड उसका वेव लेंथ इज एट थाउजेंड एंगस्ट्रॉम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एट थाउजेंड एंगस्ट्राम एंड इट इज प्रेफरेबली द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेव लेंथ राइट जो विपजियोर है उनमें से रेड का वेव लेंथ सबसे मैक्सिमम होता है

और जो वायलेट लाइट के लिए था सिंपली डेल वी दैट विल बी मैक्सिमम क्यों क्योंकि उसका वेवलेंथ मिनिमम है अगर डेल वी मैक्सिमम होगा तो डेफिनेटली वो लाइट लाइट्रेस ज्यादा बेंड होगा देखो वही हुआ है वायलेट लाइट हैज बेंड टू मच लेकिन रेड लाइट का बेंडिंग ज्यादा नहीं हुआ ओके कंसेप्ट क्लियर ओके नेक्स्ट वन फॉर्मेशन ऑफ प्योर स्पेक्ट्रम प्योर स्पेक्ट्रम क्या है प्योर स्पेक्ट्रम आर बेसिकली दोस्ट काइंड ऑफ स्पेक्ट्रम्स विथ इच आदर सपोज एक सोर्स से ऐसे नो रेड लाइट आया फिर ग्रीन लाइट आया वो दोनों अलग अलग पोजिशन में है एंड वी कैन डिस्टिंग प्योर स्पेक्ट्रम लेकिन रेड लाइट आया फिर येलो लाइट फिर ऑरेंज लाइट फिर वायलेट लाइट तो इसको हम लोग डिस्टिंगज नहीं कर सकते दिस वन इज कॉल्ड इम्पियोर स्पेक्ट्रम मतलब स्पेक्ट्रम में ओवरलैपिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स नहीं होता लेकिन इम्प्योर स्पेक्ट्रम इमप्योर इम्प्योर स्पेक्ट्रम में क्या होता है ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग किसका कलर्स का ओके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स का ओवरलैपिंग okay? होता है ओके okay? अच्छा तो फॉर्मेशन ऑफ प्योर स्पेक्ट्रम हम लोग प्योर स्पेक्ट्रम कैसे फॉर्म कर सकते हैं आई एम डूइंग द ड्रॉइंग बेसिकली सो वी आर कंसिडरिंग अ सोर्स ऑफ अर हेयर इसको अपने सी डब्ल्यू कॉपी में ड्रॉइंग करो एंड दिस वन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस हैविंग अ कंकेव लेंस एंड अ कन्वेक्स लेंस राइट सो दिस इज कॉल्ड एक्रोमैटिक लेंस ये जो लेंस है इस कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं एक्रोमैटिक एक््रोमैटिक लेंस राइट अच्छा सो एक सोर्स है एक लेंस सपोज एल वन Then we will have a prism. This one is the prism. Then again, we will have another achromatic lens like this one. Then we will have a large screen, right? So this one is the screen. Screen. This one is L two. Another achromatic uh, lens. This one is our prism. So we are considering two rays. Suppose se do ray like this one. Uh -huh. लाइक दिस एंड लाइक दिस राइट दो रे एस से निकला एंड इट विल डिरेक्टली गो टू द प्रिजम ऐसे एक प्रिजम में गया फिर दूसरा प्रिजम में गया प्रिजम में जाके दोनों ब्रेक हो जाएगा प्रिजम में जाके दोनों ब्रेक हो जाएगा सपोज एक दिस पॉइंट पे आया एक दिस पॉइंट पे आया एंड दिस पॉइंट देन दिस पॉइंट राइट अच्छा इसको आप नंबरिंग करते हैं नेम देते हैं नंबरिंग नहीं name कर, naming करते हैं दिस वन इज रेड लाइट वे आर कंसिडरिंग दिस वन इज वायोलेट लाइट दिस वन इज रेड लाइट दिस वन इज वायोलेट लाइट सर आपको कैसे पता चला सिंपली ये जो एस है एस से जो लाइट आया दिस वन इज वाइट लाइट 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 तो वो प्रिजर्व में आके एट दिस पॉइंट एंड एट दिस पॉइंट दे गॉट स्प्लीटेड कंस्टिट्यूएंट कलर में ब्रेक हो गया तो पहला जो ऊपर का व्हाइट लाइट था वो रेड वायोलेट रेड वायोलेट में ब्रेक हुआ और जो नीचे का था वो सिंपली रेड वायोलेट में ब्रेक हुआ राइट right? तो अब क्या होगा अब इस सरफेस से सपोज ऐसे इधर रेड लाइट चला गया और नीचे का जो रेड लाइट था नीचे का जो रेड लाइट था वो भी ऐसे इस तरफ चला जाएगा यूज अ स्केल प्लीज यूज अ स्केल आई एम ड्राॅइंग विद माई हैंड्स वाई नो थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है और इधर से एक वायलेट लाइट ऐसे चला आया दिस वन इज द वायलेट और नीचे का जो वायलेट लाइट था दिस नीचे ऐसे चला आया राइट सो दिस इज रेड एंड दिस इज वायलेट और बीच में अदर्स जो कलर होगा वो सिंपली साइमल्टेनियसली फॉर्म होगा दिस फॉर्मेशन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम राइट इसको हम क्या बोलते हैं स्पेक्ट्रम सो दिस वन इज द फॉर्मेशन ऑफ प्योर स्पेक्ट्रम दैट मीन्स यूजिंग एक्रोमेटिक लेंस प्रिजोम एंड अस्क्रीन राइट गॉट इट ओके लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट वी है दिफरेंस बिट्वीन द डेविशन ऑफ डेविएशन एंगल मतलब लाइट डेल वी जो था वायलेट लाइट का एंगल ऑफ डेविएशन डेल वी एंड रेड कलर दैट इज डेल आर इज सिंपली कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्शन So, हम लोग एंगुलर डिस्पर्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंपली एंगुलर डिस्पर्शन डिस्पर्शन इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्या होगा वायोलेट कलर का एंगल ऑफ डेविएशन माइनस रेड कलर का एंगल ऑफ डेविएशन राइट सो दिस वन इज द एक्सप्रेशन ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन ये प्लीज अपने कॉपी में नोट डाउन करके रखो नाव इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज कर सकते हैं कैसे थिन जो मैंने प्रिजोम का लेक्चर दिया था जो थिन थीजो था थिन का डेल कैन यू से क्या था म्यू माइनस वन इंटू ए म्यू था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ए इज प्रेफरेबली द एंगल ऑफ वी आर प्रिजोमिंग थिन प्रिजोम तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला वी कैन से फॉर अ वायट लाइट वी कैन राइट दिस एज म्यू वायोलेट माइनस वन इंटू ए एंड फॉर रेड लाइट वी कैन राइट दिस सॉरी सॉरी दिस बी डेल आर इक्वल्स टू म्यू रेड माइनस वन इंटू एके एंगल ऑफ डिस्पर्शन क्या होगा दे आर फॉर एंगल ऑफ डिसन डेल वी माइनस डेल आर मतलब म्यू वी माइनस वन इंटू ए माइनस म्यू आर माइनस वन इंटू ए ये सिंपली वन वन कैंसिल हो जाएगा सिंपल सिंप्लीफाई करो देन वी विल हैव म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए राइट सो दिस वन इज द एक्सप्रेशन और यू कैन से अनदर एक्सप्रेशन ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन नॉर्मली डेल वी माइनस डेल आर एंड इवेंचुअली म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए राइट ओके

मतलब uh, uh, क्या बोले इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है क्यों इंटरेस्टिंग है क्योंकि डिस्पर्सिव पावर का जो सिंबल है दैट इज प्रेफरेबली कॉल्ड ओमेगा नॉट डब्लू हां दिस वन इज ओमेगा तो इसका डेफिनेशन क्या आया सिंपली एंगुलर डिस्पर्शन बाई डेविएशन डेविएशन ऑफ योलो लाइट ये सिंपली था डेफिनेशन एंगल और एंगुलर डिस्पर्शन एंड येलो लाइट का डेविएशन जो होता है उसका रेशियो इज सिंपली डिस्पर्सिव पावर लेकिन लेकिन द कंडीशन इज जो प्रिज्म हम लोग यूज करेंगे वो सिंपली मिनिमम डेविएशन पोजीशन में होना चाहिए राइट right? जो प्रिज्म हम लोग यूज करेंगे दैट शुड बी इन द मिनिमम डेविएशन पोजीशन किस लाइट के लिए येलो लाइट के लिए फॉर्मूला क्या है सिंपली माइनस डेल आर अभी हम लोगों ने देखा चलो लाइट देखते हैं ये वाला फॉर्मूला डेल वी माइनस डेल आर राइट सो डेल वी माइनस डेल आर एंड यूलोलाइट का एंगल ऑफ डेविएशन दैट इज डेल वाई

mu v minus mu r into a by mu y minus 1 into a simply a a gets cancelled out. So, mu v minus mu r by mu y minus 1 ok. So, this one is another expression of dispersive power got it. So, angular dispersion and dispersive power both concept are clear and preferably डिस्पर्सिव पावर तो सेम क्वान्टिटी का रेशियो है डेवियशन बाई डेविएशन सो इट्स अ यूनिटलेस एंड डायमेंशन लेस डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी एंड डायमेंशन लेस को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एम ज़ीरो एल ज़ीरो टी ज़ीरो राइट सो डिस्पर्सिव पावर इज यूनिटलेस एंड डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी ओके

प्रिज्म का एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ये जो पहला प्रिज्म है इस, इसका दिस इस एंगल इज कैपिटल ए दैट इज़ एंगल ऑफ प्रिज्म एंड इसका है ए डैस राइट सो तो व्हाइट लाइट जैसे देख सकते हो दिस वन इज द व्हाइट लाइट एंटरिंग एंड फास्ट सरफेस में आके वो स्प्लिट हो गया ब्रेक हो गया सिंपली रेड लाइट एंड वायोलेट लाइट में फिर ये रेड लाइट वायलेट लाइट पी टू प्रिजम में गया लेकिन रेड लाइट बिना डेविएट करके सीधा ये ऐसे रेड लाइट चला गया एंड ऐसे वायलेट लाइट इस तरफ चला गया राइट सो डेविएशन नहीं हुआ लेकिन डिस्पर्सन हुआ मतलब स्प्लिटिंग हुआ लेकिन अल्टीमेटली रेड लाइट का कोई डेविएशन नहीं हुआ ओके okay? सो so, ये किस कंडीशन में हो सकता है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे फाइन अच्छा तो पहले डेविएशन ऑफ रेज इन द प्रिजोम्स मतलब योलो लाइट के हिसाब से अगर डेविएशन कैलकुलेट करेंगे देन फॉर फर्स्ट प्रिजोम फॉर पी वन हम लोग क्या लिख सकते हैं सिंपली डेल वाई डैश फर्स्ट प्रिजोम दैट इज म्यू वाई माइनस वन इंटू ए फर्स्ट प्रिजोम के लिए हम लोगों ने डेल वाई डैश कंसिडर किया और सिंपली डेल वाई भी कर सकते हैं लेकिन डेल वाई डैस एक सिग्निफिकेंस है सेकेंड प्रिजोम के लिए फॉर योलो लाइट फॉर पी टू क्या कर सकते हैं डेलूवाई डबल डैश इक्वल्स टू म्यू वाई डैश माइनस वन इंटू ए डैश सेकेंड प्रिजॉम में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विथ रिस्पेक्ट टू येलो लाइट वी आर कंसिडरिंग म्यू वाई डैश ओके सो नाउ हे आर नो डेविएशन ऑकर्स कोई डेविएशन नहीं है नो डेविएशन ऑकर्स सो योलो लाइट के हिसाब से जो टोटल डेविएशन होगा दैट विल बी ज़ीरो डेल वाई क्या है डेल वाई इज सिंपली टोटल डेविएशन योलो लाइट के हिसाब से जो टोटल डेविएशन है दैट इज ज़ीरो तो डेल वाई को हम लोग कैसे लिख सकते हैं डेल वाई इक्वल्स टू डेल वाई डैश माइनस डेल वाई डबल डैश फर्स्ट प्रिजोम का एंगल ऑफ डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू येलो लाइट इज डेल वाई डैश सेकेंड प्रिज्म का डेल वाई डबल डैश दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है मतलब एक प्रिज्म ऊपर की तरफ देख रहा है और एक प्रिज्म नीचे की तरफ डेट्सॉ माइनस हो गया तो सिंपली इधर वैल्यू पुट कर देंगे ये तो जीरो है और डेल वाई डैश मतलब म्यू वाई माइनस वन इंटू ए और डेल वाई डबल डैश मतलब म्यू वाई डैश माइनस वन इंटू ए डैश राइट अच्छा तो एक को इस तरह आप लेके आओ सिंपल नॉर्मल मैथ्स दिस वन म्यू वाई माइनस वन इंटू ए राइट तो इसको हम लोग ए बाई ए डैश कर सकते हैं सिंपली ए बाई ए डैश करो ए बाई ए डैश इक्वल्स टू म्यू वाई डैश माइनस वन बाई म्यू वाई माइनस वन सो दिस वन इज द कंडीशन राइट दिस वन इज द कंडीशन किसका कंडीशन डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, मतलब डेविएशन नहीं होगा लेकिन डिस्पर्शन होगा उसका कंडीशन क्या है ए बाई ए डैश इक्वल्स टू म्यू वाई डैश माइनस वन बाई म्यू वाई माइनस वन ओके ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन इन द एक्रोमाटिक प्रिज्म विल ऑकर फाइन ओके नेक्स्ट टॉप नेक्स्ट वी हैव डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, डिस्पर्शन नहीं होगा लेकिन डेविएशन होगा ध्यान से सो दिस वन इज़ द व्हाइट लाइट एंटरिंग द प्रिजम दो लाइट में स्प्लिट हो गया रेड लाइट वायलेट लाइट वो दो लाइट पी टू प्रिजम में आया लेकिन अल्टीमेटली जो लाइट बाहर निकला देट इज़ व्हाइट लाइट वाइट लाइट एंट्री किया वाइट लाइट ने एग्जिट किया तो वी विल कंसिडर दैट डिस्पर्सन नहीं हुआ लेकिन लाइट बेंड हुआ है दैट इज लाइट का डेविएशन हुआ है लेकिन डिस्पर्शन नहीं हुआ क्योंकि व्हाइट लाइट एंट्री करके व्हाइट लाइट निकला है ओके okay? सो so, इसके लिए भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे ये कैलकुलेशन थोड़ा सा थोड़ा सा बड़ा होगा कैसे स्टार्ट करेंगे लेट स्टार्ट हम लोग पहले वायोलेट लाइट के लिए इधर लिखते हैं फॉर वायोलेट लाइट वायोलेट लाइट के लिए सिंपली एंगल ऑफ डेविएशन को कैसे लिख सकते हैं डेल वी डेल वी कैसे लिख सकते हैं पहले प्रिज्म के लिए म्यू वी माइनस वन इंटू ए माइनस म्यू वी डस माइनस वन इंटू ए डस सर कैसे लिखा ये कैसे आपको पता चला सिंपली जो हम लोगों ने पिछला प्रूफ किया था दिस वन इधर हम लोगों ने टोटल डेविएशन योलो लाइट के लिए टोटल डेविएशन कैसे, कैसे कैलकुलेट किया था दोनों को माइनस करके मैंने कारण बोला था कि क्यू माइनस करना है सेम कंसेप्ट इधर भी यूज कर रहे हैं दैट इज फॉर वायलेट लाइट ओके सिमिलरली फॉर रेड लाइट रेड रेड लाइट के लिए वी कैन हैव आवर टोटल एंगल ऑफ डेविएशन डेल आर इक्वल्स टू म्यू रेड माइनस वन इंटू ए माइनस म्यू रेड डैश माइनस वन इंटू ए डैश ओके गॉट इट

सो so सिंपली अगर वैल्यू को पुट कर देंगे म्यू वी माइनस वन इंटू ए माइनस म्यू वी डैश माइनस वन इंटू ए डैश इक्वल्स टू रेड लाइट मतलब म्यू रेड माइनस वन इंटू ए माइनस म्यू आर आर डैश माइनस वन इंटू ए डैश ओके अच्छा इसको डिवाइड करते हैं इसको हम लोग थोड़ा बहुत डिवाइड करेंगे पहले थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लेते हैं देखो सिम्प्लीफाई करके आई होप ऐसा आएगा म्यू वी म्यू आर ए कॉमन होगा देन म्यू वी डैश म्यू आर डैश ए डैश कैसे सर ये ये कैंसिल ये ये कैंसिल राइट right? मी ए ए टर्म को एक तरफ लेके आओ ए डैश टर्म को दूसरी तरफ लेके जाओ दिस वन तो इसको अब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ध्यान से इधर से ट्विस्ट आएगा म्यू योलो माइनस वन ए को तरफ बाय, म्यू योलो माइनस वन इक्वल्स टू म्यू वी डैश म्यू आर डैश म्यू योलो डैश माइनस वन डैश बाई मू योलो माइनस वन क्या किया सिंपली योलो लाइट के हिसाब से डेविएशन और डेविएशन इधर भी फॉर प्रिजॉम्पी टू योलो लाइट के हिसाब से योलो लाइट के हिसाब से एक बार ऊपर मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड किया राइट right? सो so, अब अब देखो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ध्यान से ओमेगा डेल वाई डैश पहले प्रिजम के लिए ओमेगा डैश वाई डबल डैश कैन गाइस ऐसे कर सकते हैं क्या क्यों क्योंकि ओमेगा का डेफिनेशन मैंने क्या बोला था म्यू वी माइनस म्यू आर बाई म्यू वाई माइनस वन ओमेगा जो था चलो स्लाइड में देखते हैं ओमेगा ओमेगा कहा गया दिस वन ये लास्ट का म्यू वी माइनस म्यू आर बाई म्यू वाई माइनस वन राइट तो वही फॉर्मूला यूज़ किया म्यू वी माइनस म्यू आर म्यूवाई माइनस वन पहले प्रिज्म के लिए सिंपली ओमेगा कंसीडर किया सेकेंड प्रिज्म के लिए ओमेगा डैश कंसीडर किया तो उसके बाद तो ये टर्म जिंदा रहेगा दैट इज डेल वाई डैश उसके बाद ये टर्म अकेला रहेगा दैट इज़ डेल वाई डबल डैश के सोमेगा इंटू दैट इज एंगुलर डिस्पर्शन इंटू एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ येलो लाइट इक्वल्स टू सेम थिंग सो दिस वन इज द कंडीशन फॉर डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन राइट ओके नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट फ्रॉफर लाइंस. बेसिकली पहले ही बोलते थे कि ये सोलर फिजिक्स का एक पार्ट है सन का जो फिजिक्स होता है दैट इज सोलर फिजिक्स if you are interested in solar physics you can simply know uh, do the comment so that i uh, get uh, bole, keep, uh, interested to do uh, research and to do videos related to solar physics If you video ho, simply comment comment and first of all what is frunoper lines several dark lines are observed in the solar spectrum if it is visualized in high power

ये लाइंस बेसिकली क्यों क्रिएट होता है ध्यान से सुनो कॉज और सिंपली वी कैन से ऑरिजिन ऑफ फ्र फ्रोनोपल लाइन्स ये चाहो तो आपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो फॉर योर नॉलेज कैसे हो सकता है कैसे होता है बेसिकली जो पॉलीक्रोमेटिक लाइट है दैट इज वाइट लाइट है वो पेनिट्रेट करता है किसके ऊपर पेनीट्रेट्स थ्रू क्रोमोस्फियर आफ्टर बींग रेडिएटेड फ्रॉम द इनसाइड सेक्शन ऑफ फोटोस्फियर सन का काफ़ी सारा लेयर होता है वो फोटोस्फियर होके क्रोमोस्फियर पे पेनिट्रेट करता है और क्रोमोस्फियर का जो टेम्परेचर है दैट इज लो टेम्परेचर क्रोमोस्फियर इज ऑफ लो टेम्परेचर एंड हाई डेंसिटी तो जब क्रोमोस्फियर से आता है क्रोमोस्फियर से पेनिट्रेट करता है किर्सॉप्स का एक लॉ है जो बेसिकली क्लास इलेवन में था द गैसेस अकॉर्डिंग टू दैट लॉर की गैसेस प्रेजेंट इन क्रोमोस्फियर गेट्स एक्साइटेड क्रोमोस्फिर में जो गैसेसाइटेड हो जाता है एंड एमिट समे कुछ वेव लेंथ को वो एब्सॉर्व कर लेता है और कुछ वेवलेंथ को वो एमिट करता है राइट सो द रेज जो रेज सिंपली फोटोस्फियर होके आएगा दो रेज विल कंटेन सम ब्लैक लाइन्स क्यों ब्लैक लाइन्स होगा क्योंकि फोटोस्फियर का गैस तो वो सिंपली रे को सॉरी क्रोमोस्फियर का क्रोमोस्फियर का गैस तो वो थोड़ा बहुत एब्सॉर्ब कर लिया दिस दिस लाइंस 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 आर और सिंपली प्रोनोपर लाइंस ओके तो इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है इज रिटन बाई कंपेयरिंग द स्पेक्ट्रम ऑफ एवेलेबल एंड नोन मॉलिक्यूल ऑफ आर्थ द सोलर स्पेक्ट्रम मतलब जो स्पेक्ट्रम ये वाला जो स्पेक्ट्रम सन से आया इसको हम लोग एनालिस करेंगे विद द स्पेक्ट्रम और विद द पैटर्न वी हैव गॉट इन द अर्थ एंड वी विल से बाई कंपेयरिंग अर्थ स्पेक्ट्रम एंड सन स्पेक्ट्रम वी विल से कि सन के अंदर क्या क्या मॉलिक्यूल प्रेजेंट है राइट हीलियम हीलियम तो सन में काफ़ी सारा है इसको कैसे पता चला कि सन में हीलियम है बाई रिसर्चिंग और बाई डूइंग सेवरल आइडियाज रिलेटेड टू फ्रोनोपर लाइन्स ओके फ्रोनोपर लाइन्स को रिसर्च करके ही ये मिला है कि सन में हिलियम है लेकिन सन में तो हम जा नहीं सकते ना सिंपली तो फ्रोनोपर लाइन्स को हम लोग एनालाइज करके बोलते हैं कि सिंपली सन में क्या क्या मेटेरियल्स मौजूद है ओके गॉट इट ओके नेक्स्ट टेलोरिक लाइन्स टेलु टेलोरिक लाइन्स आर इन द स्पेक्ट्रम ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट लाइक सन देर आर ड्यू टू एब्जॉर्बन ऑफ गैसेसच सन सच एस ऑक्सीजन वाटर वेपर कार्बन डाइऑक्साइड इन आर्थ एटमोस्फियर अच्छा यह भी ईजी है सिंपली ये सन का स्पेक्ट्रम है इसमें तो पहले से ही ऐसे फ्रॉन्ट होपर स्पेक्ट्रम मौजूद था राइट कुछ ब्लैक लाइन्स डार्क लाइन्स मौजूद था तो यह स्पेक्ट्रम अब आर्थ का जो एटमोसफियर है उस पर एंट्री कर लिया ये जो स्पेक्ट्रम वी आर कंसिडरिंग दैट एंटर्ड इन द आर्थ एटमोस्फियर और आर्थ के एटमोसफियर में काफी ऑक्सीजन है वाटर वेपर है सीओ टू है और काफी सारा गैसेस है दे विल देसॉर्व सम और सम स्पेक्ट्रम ये जो ऑक्सीजन वाटर वेपर सीओ टू है दे विल एब्सॉर्ब सम और उसको ऐसे दिस आर टेल्यूडिक लाइन सो फ्रोनोपर लाइन्स कहाँ पे क्रिएट होता है सन में क्रिएट होता है ड्यू टू एब्सॉर्ब्शन ऑफ द गैसेज प्रेजेंट इन द क्रोमोस्फियर टेलुरिक लाइन्स कैसे क्रिएट होता है ड्यू टू एब्जॉर्ब्सन ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर ओके डिफरेंस पता चला चलो नाइस नेक्स्ट सम क्वेश्चन रिलेटेड टू डिस्पर्शन वेरी फ्यू क्वेश्चन टू क्वेश्चन ओनली नंबर वन कैन डिस्पर्शन ऑकर इन फ्री स्पेस जो फ्री स्पेस है बिटवीन स्टन एंड आर्थ क्या उसमें डिस्पर्सन uh, हो सकता है सो वाट्स द आंसर सो द आंसर इज एवरी कॉम्पोनेंट कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट प्रोपेट्स विद द सेम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दैट्स वाई वी आर अनाबल टू सी डिस्पर्सन इन फ्री स्पेस एग्जैक्टली जो फ्री स्पेस है फ्री स्पेस में हर एक लाइट का वलोसिटी हर एक लाइट मतलब सिंपली अगर इफ वी सॉरी इफ वी कंसीडर रेड लाइट वायलेट लाइट और एनी अदर काइंड ऑफ लाइट सबका वेलोसिटी सिंपली रेड ब्लू वायलेट, इंडिगो सबका वेलोसिटी वी इज सेम राइट कहाँ पे इन फ्री स्पेस तो वेलोसिटी का डिफरेंस नहीं होगा तो डेफिनेटली डेविएशन नहीं होगा ओके सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन

सो इफ दिस फ्लेम इज केप्ड अबोब द ब्लू ऑब्जेक्ट देन नो कलर विल बी रिफ्लेक्टेड बाई द बॉडी क्यू क्योंकि ब्लू ऑब्जेक्ट जो है वो तो सिंपली योलो जो लाइट आ रहा है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा दैट्स ऑ ब्लू ऑब्जेक्ट विल सीन अ ब्लैक इन सोडियम पेपर लैम्प राइट नेक्स्ट वी हैव अ सिंपल न्यूमेरिकल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ अ प्रिजोम इज ओ नो क्वेश्चन इज मिसिंग suppose we can consider angle of prism as something like 6 degree suppose angle of prism let me choose a color suppose angle of prism actually upper 6 degree 6 degree consider kiya. refractive indices of prism for blue and red is given that is 1.531 1.513 .1, uh, find the angular dispersion पहले निकालना है ब्लू और रेड के बीच एंड फाइंड द डिस्पर्सिव पावर ओमेगा निकालना है तो एट फास्ट वी विल राइट कि व्हाट आर गिवन सिंपली वी विल से गिवेन क्या क्या गिवेन है दैट इज़ ए इज सिंपली सिक्स डिग्री म्यू बी ब्लू लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन पॉइंट फाइव थ्री वन म्यू रेड वन पॉइंट फाइव वन थ्री ओके पहले क्या निकालेंगे एंगुलर डिस्पर्शन ए डी इसका फॉर्मूला क्या होगा सिंपल वायलेट के लिए जो था ब्लू के लिए भी सेम होगा दैट इज म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ओके सो वन पॉइंट फाइव थ्री वन माइनस वन पॉइंट फाइव वन थ्री इंटू सिक्स डिग्री इसको कैलकुलेट करके देखो लगभग ये आएगा ओके okay? सो दिस वन इज सिंपली द एंगुलर डिस्पर्शन आप क्या करेंगे सिंपली ओमेगा दैट इज एंगुलर सॉरी डिस्पर्सिव पावर डिस्पर्सिव पावर ये क्या होगा डेल बी माइनस डेल आर बाई डेल वाई येलो लाइट का जो एंगल ऑफ डेविएशन है उसके साथ डिवाइड किया जाता है दैट इज सिंपली म्यू ब्लू माइनस म्यू आर बाई म्यू येलो माइनस वन राइट सो म्यू ब्लू मतलब वन पॉइंट फाइव थ्री वन माइनस वन पॉइंट फाइव वन थ्री लेकिन ये जो म्यू योलो है इसको कैसे हम लोग निकाल सकते हैं म्यू योलो सिंपली द एवरेज म्यू बी प्लस म्यू आर बाई टू दैट इज़ वन पॉइंट फाइव थ्री वन प्लस वन पॉइंट फाइव वन थ्री बाई टू दैट इज़ प्रेफरेबली यू कैन कैलकुलेट वन पॉइंट फाइव टू वन सो वन पॉइंट फाइव टू वन माइनस क्या होगा वन वन Right, that is uh, 0 0.0326. So, this one is the angular, sorry, dispersive power 0 0.0326, right, got it? Okay.